हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं अच्छा ही होंगे। स्वागत करते हैं आपको एक न्यू वीडियो में। इस वीडियो में हम सीखेंगे एक सोशल मीडिया पोस्ट किस तरीके से डिज़ाइनिंग किया जा सकता है। हाय, मैं हूं आपका दोस्त, टीचर एंड गाइड अमिताभ चौधरी फ्रॉम digitalamitabho.com। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हों तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल से आपको डिज़ाइनिंग रिलेटेड बहुत सारा लर्निंग कंटेंट मिलने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, आज इस वीडियो में हम मदर्स डे के लिए एक सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइनिंग करना सीखेंगे, क्योंकि नेक्स्ट महीने मदर्स डे आने वाला है। तो आप लोगों को हेल्प मिलेगा इस तरीके का पोस्ट डिज़ाइनिंग करने के लिए। तो इस पर्टिकुलर डिज़ाइनिंग करने के लिए हमने कुछ कोट्स, कुछ हमने पीडीएफ या फिर वेक्टर रखा है एज ए रेफरेंस, जिनको कंबाइन करके हमें डिज़ाइनिंग बनाएंगे। दोस्तों, और एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लाऊँ, तो इसमें आपका भी योगदान बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको किस तरीके का कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइनिंग ट्यूटोरियल चाहिए, या किस तरीके से मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ डिज़ाइनिंग रिलेटेड, या फिर डिज़ाइनिंग रिलेटेड कुछ भी इशू आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि मैं उस रिलेटेड वीडियो कंटेंट लाऊं और आपको मैं हेल्प कर सकूं। क्योंकि इस चैनल का खोलने का मकसद मेरा यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम टू मैक्सिमम वैल्यू मैं आप लोगों को तरफ पहुंचा सकूं। तो जैसे कि मैंने बताया कि इस पर्टिकुलर मदर्स डे सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइनिंग करने के लिए मेरे पास कुछ वेक्टर अवेलेबल है, जिसमें से एक ये सनसेट का बैकग्राउंड हमने लिया हुआ है, एक हमने मदर्स और उसकी डॉटर का हमने एक एज ए रेफरेंस बैकग्राउंड लिया हुआ है, और एक हमने टेक्स्ट कंटेंट लिया हुआ है, जिसमें हमने एक टेक्स्ट लिखा, उसके बाद उसको वेक्टराइज किया। ये पूरा वेक्टर है और इसमें एक सिंपल सा शेप्स हमने यूज़ किया है। अगर हम नॉर्मल डिज़ाइनिंग के लिए जाए तो यहाँ पे हमने सिंपल, जो हमने आज तक जो भी सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइनिंग किया है, लास्ट जो वीडियो में हमने एक जूस के लिए बनाया था, एक ट्रैवल के लिए बनाया था, एक हमने बर्गर के लिए बनाया था, जिसका सारा लिंक मैं आई बटन में दे दूँगा, आप वहाँ पे देख सकते हो कि हम लोग जो इमेज साइज़ लेते हैं वो स्क्वायर पिक्सल में लेते हैं, लाइक 1000x1100 रेजोल्यूशन RGB कलर मोड पर लेते हैं। और ये जो गाइडलाइन हम लेते हैं, ये जो हम आउटर का गाइडलाइन लेते हैं, वो हमने थे न्यू गाइड लेआउट पे, जहाँ पे हम 50-50 पिक्सल जो है अंदर की तरफ गाइडलाइन लेते हैं, ताकि जो टेक्स्ट कंटेंट हम लेंगे वो इसके अंदर अवेलेबल हो जाए। तो ये जो वेक्टर है, सबसे पहले इसको हमें यूज़ करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर डिज़ाइनिंग के लिए। तो हम देखते हैं धीरे धीरे एक एक चीज़ को हम इसमें किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो बैकग्राउंड है, इसको हम ओपन कर लेंगे हमारे फोटोशॉप में। तो ये हमारा बैकग्राउंड है और इसको हमने फोटोशॉप में ओपन कर लिया है RGB कलर मोड कलर पे, और इसको फिर राइट क्लिक डुप्लीकेट करके हमने ले लिया है हमारा मदर्स डे पोस्टर डिज़ाइनिंग पे, और इसमें हम साइज को अब करेंगे कैनवास के साथ, इसको बिल्कुल सेंटर अलाइनमेंट करेंगे, और फिर इसको कंट्रोल टी करते हुए इसको थोड़ा ट्रांसफॉर्म करेंगे अपने डिज़ाइनिंग के मुताबिक। परफेक्ट हो गया। तो ये मेरे डिज़ाइनिंग पे परफेक्ट बैलेंस हो गया। उसके बाद हम चले जाएंगे फिर से इलस्ट्रेटर पे, और इलस्ट्रेटर पे हमारा नेक्स्ट कंटेंट जो रहेगा
वो है ये वाला। तो उसमें से हमें ये बैकग्राउंड नहीं चाहिए, हमें ये वाला बैकग्राउंड भी नहीं चाहिए, तो इसके लिए हम ये वाला बैकग्राउंड को भी हटा देते हैं। सॉरी, इस पर्टिकुलर बैकग्राउंड को हम हटा देते हैं, हम पर्टिकुलर ये सिर्फ लेंगे। तो इसको एज ए PDF भी ले सकते हैं, या तो फिर आप एक काम कर सकते हो, इसको एक्सपोर्ट कर लेते हो PNG फॉर्मेट में, और उस पर्टिकुलर PNG को आप यूज़ कर सकते हो अपने डिज़ाइनिंग पे। ये हमारा PNG बन गया। तो इस PNG को हम ओपन कर लेते हैं पर्टिकुलर फोटोशॉप में, राइट क्लिक, डुप्लीकेट, पोस्टर पे हमने कॉपी बना लिया, बंद कर दिया, इसको भी बंद कर दिया। अब हम इसको बिल्कुल सेंटर अलाइनमेंट करेंगे पहले, उसके बाद कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म करेंगे और अपने डिज़ाइनिंग के मुताबिक उसको फिट करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमें कहाँ फिट करना है उसको। बिल्कुल परफेक्ट हो गया हमारा। अब देखना पड़ेगा कलर कॉम्बिनेशन, हमने उसी हिसाब से लिया है ताकि हमारा जो कलर कॉम्बिनेशन बने वो इस हिसाब से बने। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो लाइन बन रहा है वो थोड़ा डिफरेंट कलर का बन रहा है, हम चाहते हैं डिफरेंट कलर का, ताकि ये भी थोड़ा अलग डिविशन दिखे। तो हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा ऊपर किया, बिल्कुल कवर हो गया, कंट्रोल ज़ीरो, जो हमारा व्यू पॉइंट पे आ गया है। तो यहाँ पे हम मादर और डॉटर का एक फीलिंग्स दिखा रहे हैं। नेक्स्ट हम चले जाएंगे हमारे ये जो टेक्स्ट कंटेंट है उसकी तरफ। उसके लिए हमने इसकी जो बैकग्राउंड है इसको पहले अनग्रुप कर लिया, बैकग्राउंड को हमने कर दिया डिलीट, और ये जो पूरा कंटेंट है इसको हमने ले लिया। अब इस बार हम क्या कर रहे हैं, इस बार आप देखिए, इसको हम इसे Adobe Illustrator से ही कॉपी कर लिया और यहाँ पे जाके कंट्रोल भी पेस्ट कर लिया। तब हम यहाँ पे एज ए पेस्ट किस तरीके से करेंगे, एज ए स्मार्ट ऑब्जेक्ट पेस्ट करेंगे। जैसे ही स्मार्ट ऑब्जेक्ट पेस्ट होगा वो यहाँ पे उसी हिसाब से पेस्ट हो जाएगा। आप चाहो तो जिस तरीके से हमने PNG बना के लाए थे उस तरीके से PNG बना के भी ला सकते हो। इस तरीके से आप उसको सेट करो, परफेक्ट। अब या तो फिर आपको ये जो मदर्स डे का टेक्स्ट है ये इसको हाईलाइट करना पड़ेगा, या तो फिर आप इसको जो बैकग्राउंड है उस बैकग्राउंड को डार्कर करना पड़ेगा। इन पर्टिकुलर केस में हम मदर्स डे को हाईलाइट करते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें, इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये बिल्कुल इलस्ट्रेटर पे खुल जाएगा, हम यहाँ पे जो भी चेंजेस करेंगे वो वहाँ पे शो हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे आते हैं और ये जो हमारा रेड कलर का है उसको हम करते हैं वाइट कलर। सबसे पहले इसको करते हैं सेव और यहाँ पे आते हैं, देखिए यहाँ पे भी वो चेंज हो गया। इसीलिए हमने एक दूसरा मेथड आपको दिखाया कि जब भी हम इलस्ट्रेटर से कॉपी करें तब उसको ज़रूर एज ए स्मार्ट ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे पेस्ट कीजिएगा, क्योंकि ये जो फ़ायदा दिखाया कि हमने वहाँ पे जो भी चेंजेस किया वो यहाँ पे चेंजेस हो गया, ये फ़ायदा आपको तभी मिल सकता है। इसको हम करेंगे ब्लैक थोड़ा, ताकि यहाँ पे भी वो चेंजेस हो जाए। और ये जो है शेडो पार्ट जो है, ये जो शेडो पार्ट है ये शेडो पार्ट को हम यहाँ पे इससे हटा देंगे और वहाँ पे फोटोशॉप में हम इसकी शेडो पार्ट को देंगे। शेडो पार्ट को हमने हटा दिया, सेव कर दिया, मैंने कुछ दूसरा चीज़ हटा दिया शायद, कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं। एक काम करते हैं, इसके एक बैकग्राउंड बना के देखते हैं। ये हटाना पड़ेगा, परफेक्ट। अब इसको हटा दीजिए, इसको सेव कर दीजिए, यहाँ पे देखिए मेरा परफेक्ट हो गया।
तो देख रहे हैं हम किस तरीके से एडिट कर रहे हैं यहाँ पे। जो भी चीज़ें आपको यहाँ पे प्रॉब्लम लग रहा है, हमने उसको एज ए स्मार्ट ऑब्जेक्ट इसीलिए पेस्ट किया था ताकि हम जो भी वहाँ पे चेंजेस करें वो यहाँ पे शो हो जाए और यहाँ पे हम कुछ भी कर सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पे कुछ भी चीज़ें को लेकर जैसे लेयर स्टाइल या आउटर ग्लो देंगे वो यहाँ पे शो हो जाएगा और पूरा के पूरा जो आउटर ग्लो है वो यहाँ पे सेव हो जाएगा। थोड़ा सा देंगे ताकि हमारा जो इफेक्ट है वो आ जाए। इसको वैल्यू देते हैं 2। परफेक्ट। अब देखिए कि कितना अच्छा तरीके से ये इसको हमने हाईलाइट किया। या तो फिर आप और एक काम कर सकते हो, इसको पूरा का पूरा सिलेक्ट करके यहाँ पे एक कर्व एडजस्टमेंट लेयर लेके इसको थोड़ा और हाईलाइट कर सकते हो। जो आपको ठीक लगे, आउटर ग्लो अगर ठीक नहीं लग रहा है यहाँ पे तो आप यहाँ पे आउटर ग्लो को हटा के ड्रॉप शेडो भी दे सकते हो। देखिए हल्का सा हमने ड्रॉप शेडो इस्तेमाल किया है इसमें, जिसमें डिस्टेंस स्प्रेड साइज जितना है उतना ही है। इसको ओके कर दीजिए। परफेक्ट हो गया। अब हमारा टेक्स्ट कंटेंट आता है, लोगो आता है, जो भी कमर्शियल यूज़ के लिए हमने लोगो यूज़ करेंगे। तो टेक्स्ट कंटेंट के लिए हमने क्या किया, हमने ये वाला टेक्स्ट कंटेंट को लिखा। तो फिलहाल हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं नॉर्मली। उसके बाद हम इसका जो भी फॉन्ट वगैरह है वो चेंज करेंगे। देयर इज नो रोल इन लाइफ दैट इज मोर एसेंशियल than that of motherhood। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। हमारे जीवन में माँ का रोल कुछ अलग ही है। तो हमने इसको डुप्लीकेट कर लिया अपने डिज़ाइनिंग पे। देखिए हमारे पास टेक्स्ट आ गया है। अब हम इसको अपने हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। अगर मैं पेड़ को भी अलग से करता तो फिर ये अलग लेयर पे हो जाता, कोई दिक्कत नहीं आता। अगर आपको लगता है कि आपको ये टेक्स्ट इस पेड़ के पीछे देना है तो आपको क्या करना होता, आपको सिंपल सिंपल ये वाला जो डिज़ाइनिंग है इसको यहाँ से कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद उसको एज ए यहाँ पे स्मार्ट ऑब्जेक्ट पेस्ट कीजिए और ये जो टेक्स्ट कंटेंट है ये यहाँ पर लिखिए और उसको इस पर्टिकुलर लेयर के आगे दीजिए। तब ये वाला इफेक्ट जो है वो हमारे इस पर्टिकुलर डिज़ाइनिंग में फोटोशॉप में आ जाएगा। तो फिलहाल हम इसको क्या करते हैं, हम एक छोटा सा इसमें स्ट्रोक देते हैं। यहाँ पे आइए और यहाँ पे हमने स्ट्रोक दिया। परफेक्ट। और फिर थोड़ा सा अलग टाइप का हम डिज़ाइनिंग के लिए सोच रहे हैं। हमने बैकग्राउंड के हिसाब से कलर चूज़ करना है तो इस बार हम थोड़ा चॉकलेट कलर चूज़ करेंगे। आप चाहें तो फॉन्ट के साथ थोड़ा काम कर सकते हैं। हमें देखना पड़ेगा कि हमारा टेक्स्ट ज़्यादा फोकस में आ रहा है या फिर हमारा जो नॉर्मल मदर्स डे का जो विश है वो ज़्यादा फोकस में आ रहा है, उस हिसाब से आप चाहे चेंज कर सकते हो। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक सिंपल सा लोगो बनाते हैं क्योंकि हमारे पास फ़िलहाल कोई लोगो नहीं है। तो हमने यहाँ पे लिखा माय लोगो, सिंपल फॉन्ट। बिल्कुल छोटा साइज में सेंटर अलाइनमेंट
लीडिंग उसका कम। बिल्कुल वाइट कलर। उसके बाद हमने एक टेक्स एक मार्क्यू टूल लिया, रेक्टेंगल बिल्कुल स्क्वायर फॉर्मेट में हमने मार्क्यू रेक्टेंगल टूल लिया, एक लेयर बना के एडिट स्ट्रोक 2 पिक्सल सेंटर परफेक्ट हो गया। इसको और इसको सिलेक्ट करते हुए हमारा यहाँ पे अलाइनमेंट हमारा लोगो तैयार हो गया। जब भी आपको लोगो लगे आप यहाँ पे उसको रिप्लेस कर दो। फिलहाल हमें देखना पड़ेगा कि हमने जो डिज़ाइनिंग बनाया वो एज पर थीम, एज पर हमारा जो ऑब्जेक्टिव है या फिर एज पर हमारा जो मकसद है वो जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो फिलहाल मुझे लग रहा है कि ये परफेक्टली जा रहा है हमारे पास एक थीम बेस्ड मदर्स डे पोस्टर। तो दोस्तों मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको किस तरीके का वीडियो कंटेंट चाहिए ताकि मैं उस हिसाब से अपना कंटेंट को प्लान कर सकूं और आप तक पहुंचा सकूं। अगर इस वीडियो से आपने सही में कुछ सीखा है, कुछ वैल्यू आपको मिला है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों में जिनको इन वीडियो से थोड़ा मदद हो सके। अगर आप इस चैनल पर नए हों तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि तभी आपको फ्यूचर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ज्वाइन कीजिए मेरे प्राइवेट फेसबुक ग्रुप में, जहाँ पे आप फ्री में बहुत सारा लर्निंग ले सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।